यंग लड़के हैं यार, शादी खुदा कुछ शादी होने वाली है, कुछ कुछ लोग कभी शादी शांत होने चाहिए। शांत हो जा भाई, चौकी सर थाना फुपेला चौकी स्मृति नगर में पूरिया मॉल में कल पुलिस द्वारा जो है रेड कार्रवाई की गई। शाम 6:30 बजे से लेकर रात में 1:30 बजे तक की कार्रवाई की गई। लगातार वहां पे देह व्यापार की सूचना आ रही थी, क्योंकि वहां पे काफ़ी सब लोग सूर्या मॉल जाते हैं, वहां पे अपना शॉपिंग करते हैं, सामान वामान खरीदते हैं, लोगों को भी बच्चे जाते हैं। निश्चित रूप से इससे एक बहुत ही उनके मानसिक ये पे गलत प्रभाव पड़ रहा था। अभी भी बाकी भी जो स्पा सेंटर्स चल रहे हैं, काफ़ी स्पा सेंटर से शिकायत लगातार आ रही है। मैं सारे स्पा सेंटर से ये विनती करता हूँ कि वो जो भी बालिकाओं को बाहर मतलब महिलाओं को बाहर से ला रहे हैं रोजगार के लिए, उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। सभी लोगों का जो है नगर पालिका में लिस्ट देके जो उनका घुमस्ता होता है उसको जो है रजिस्टर कराएं। आने वाले समय में बाकी स्पा सेंटर्स पे भी कार्रवाई की जाएगी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सुधर जाएं, अन्यथा विधिवत कार्रवाई उन सब के खिलाफ की जाएगी। जो प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट पीटा के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई कल की गई, 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। सारी महिलाएं बाहर से थी, किन्हीं का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, कभी भी थाने को जानकारी नहीं दी गई। जहां वो रहती थी रेंट पे वहां उसकी भी जानकारी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं जो लोग रेंट पे अपना घर देते हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने रेंटर्स का हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, अन्यथा कभी वो बड़ी मुश्किल विधिवत मुसीबत में फंस सकते हैं। जो एसेंस 10 स्पा सूर्या मॉल में द्वितीय माले पे चलता है उस पे छापा मारा गया, 8 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जो 8 ग्राहक थे उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध धारा 3, 4, 5, 7 जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की गई, पूरे इलाके की वीडियोग्राफी कराई गई और ट्रांसपेरेंट पुलिस कार्रवाई जो है वो की गई। आगे भी इस तरह की सूचना मिलने पर इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए भी बहुत आश्चर्यस्तब्ध करने वाली बात थी कि सिटी के बिल्कुल सेंटर में इतने बड़े मॉल में इस तरह की गतिविधियों को जो है वो संचालित किया जा रहा था। अंदर स्पा में जो बाकी चीज़ें होनी चाहिए, मसाज ऑयल, मसाज बेड, उस तरह की कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी। वहाँ पर केवल संदिग्ध चीज़ें जैसे कॉन्डोम, जैसे कि डबल बेड, लगातार कस्टमर्स को कांटेक्ट करना, फोटोज भेजना, सभी के मोबाइल भी जब्त किए गए, मोबाइल से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। इसका खुलवा दीजिए ना सर, ये सब पूरा खुलवाइए। ठीक है ठीक है। भाई कब से चला रहे हो ये? 6 साल से चला रहे हो। तो ये जो लड़कियां पकड़ाई आज, इनको आपने कब बुलाया, कहां से रिपोर्ट किया आपने? इनमें से मैक्सिमम लड़कियां सर मेरे पास 3 साल से। 3 साल से कहां से आई हैं ये सब? असम से। असम से तो ये आई हैं। इनका आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराया आपने? इनका समय समय पे करवाते रहते हैं, जमा करवाते हैं। तो इन 8 का हुआ है समय समय पे? नहीं, इन 8 का इनमें सर 3 का नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है, क्योंकि 3 न्यू आए।
थे, जैसे ही उनका लगता कि हाँ मेरे काम करने लायक हैं, अच्छा वर्क उनका करेंगे, अच्छी तो फिर उनका करवाते हैं, उनका आप करवाते हैं। तो ये पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आपके ऊपर सर? यदि यदि आपका पक्षी सही था, वहाँ कुछ गड़बड़ ही नहीं था, तो ये देखो आपके डेट में आप किस तरह का रजिस्टर मेंटेन करते हो, आप देख रहे हो चालू किया था कि अच्छे प्रीमियम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं कार्ड से स्वैप करके आपकी थेरेपी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मशीन आता था वो खराब हो गया, एक्टिवेट ही नहीं हो पाया था। डीप थेरेपी क्या है जनाब? डीप टिश्यू थेरेपी सर बहुत हार्ट मसाज होता है, जो जिम यूज करते हैं या लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं या लंबा स्पिंग पे बैठे रहते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं। चलिए फिर आप इतनी चीज़ें बता ही रहे हैं तो सुनना चाहते हैं, फिर सीएसपी साहब भी बताएंगे आपके बारे में। भाई सीएसपी साहब बताएं क्या देखा आपने कल वहाँ पे? सर जो लड़कियों से बात किया और उनके मैनेजर से बात किया तो बात कुछ होता ही नहीं, सिर्फ 1500 रुपये में। लड़कियाँ भी आएंगी कहानी सुनाएंगी, बुला लीजिए लड़कियों को, उनके बुला लीजिए। 1500 रुपए का एक ही थेरेपी, आप पत्र बता रहा हूँ अरे सामने आए तो सामने आएंगे। देखो मेरा तो हमेशा मानना है कि पार्टनरशिप तरीके से काम, यदि आप चाहते हो तो सामने मीडिया के सामने इसको बाकी सीएसपी साहब बताएंगे क्या हुआ कल, क्या देखा उन्होंने। इसमें जैसे इन लोग का होता है कि काउंटर पे जाके एक ही पहले ही फोन आता है, इन लोग का एक लैंडलाइन नंबर है और एक छोटा सा फोन है जो शारिक के पास होता है, इस पे फोन कॉल आता है और पूछा जाता है कि कौन कौन लड़की अवेलेबल है, वो सबके नाम बोलती है, वो पूछता है कि ये लड़की है उनके उनके जो रेगुलर जो जगह है जाना है, और जैसे वो बोलते कि हाँ ये अवेलेबल है, फिर अपना अपॉइंटमेंट देते हैं कि 20 बजे आऊँगा, 8 बजे आऊँगा, 10 बजे आऊँगा, ये लड़की रखिएगा, और अंदर आके ही सिर्फ बेसिक 1500 रुपये उसको उस काउंटर पे देने हैं और फिर अंदर चले जाएगा, और अंदर जाने के बाद दरवाजे पे ये एक भर के फॉर्म बना के रखा होता है। स्पा में जनरली होता है कि कई दरवाजे ऐसे बंद दरवाजे नहीं होना चाहिए, स्पा में कर्टन होते हैं, कोई बंद दरवाजे के पीछे ऐसा कुछ करने का अलाउड नहीं होता है, ये बाहर रखा होता है, इन लोग दरवाजा अंदर से बंद करते हैं, जब तक ये कागज बाहर है तब तक कोई अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करेगा। लड़कियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि कोई स्पा जैसी मसाज जैसे कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ एक ही काम होता है जो उनको पहले से बताया गया होता है यही करना है। आवाज कम, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, यहाँ पर आना है आपको, कैसे यहाँ पे नौकरी मिली आपको? दिखा भी नहीं रहा। शांत हो जाओ, 5 साल से हो, मैं बोलूंगा तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम चला कि यहीं पे आके काम करना है? 5 साल से पहले यहाँ बेंगलोर से आई थी। बेंगलोर से आई थी, कौन आपको भर्ती किया था? दोस्त के पास आई थी। यहाँ पे जो कल छापा पड़ा है उसमें बात आई है कि आप लोगों के साथ शोषण हुआ है, क्या ये बात सही है? आप बैठी हुई थी तो अंदर कौन थी? राम मत लीजिए, पीछे रहिए। आप कब से मैडम इधर आइए? 3 साल से आए हैं। ये जो कल छापा पड़ा है, जो बात कही गई है, क्या वो सही है गलत है? अंदर में थे आप लोग, अंदर में क्या शारीरिक शोषण भी होता है आप लोगों का? अंदर क्या होता है अंदर? हाँ क्या होता है? थेरेपी होता है, थेरेपी होता है। तो जो पुलिस ने कार्रवाई की है आपके अनुसार वो कार्रवाई गलत है? सही है कार्रवाई? देखिए कार्रवाई सही है ना, ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते। तो आपको इस काम में कौन लगाया? आपको कौन भर्ती किया? आपको दोस्त भर्ती किया। तो आपको लगा नहीं कि काम गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए?
आप बोले बोले मुझे वापस जाना है, कहाँ के रहने वाले हो आप? असम। ये बोले नहीं मैं असम वापस जाऊंगी। हाँ अब आप क्या आगे करना चाहते हो? यहाँ रहना चाहते हो वापस जाना चाहते हो? वापस जाना, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? अभी आप नहीं रहोगे यहाँ पे। सैलरी कितना देते हैं आपको? 15,000 देते हैं। तो टाइम पर देते हैं? टाइम पर सैलरी देते हैं। आप यहाँ कब से हैं? 3 महीने से नए भर्ती हुए हो। आपके साथ भी ये गलत काम हो रहा था क्या यहाँ पे? हाँ आपके साथ कुछ नहीं हुआ था। अभी आप क्या कर रहे थे? आप बैठते थे बस, फोन चला रही थी। तो ये जो छापा पड़ा पुलिस का, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? पुलिस गलत कार्रवाई की, ठीक कार्रवाई की? ठीक कार्रवाई की। क्या ठीक कार्रवाई की पुलिस? ये जो लड़के सब हैं जो पकड़ाए हैं, ये क्या करने आए थे वहां पे? थेरेपी में क्या होता है आपको पता नहीं, आप तो नए आए थे, लेकिन सुने तो हो गए ना आप, जब 3 महीने हो गए तो कोई कुछ बोलता नहीं है। थेरेपी करने वाले कौन कौन है यहाँ पे? पुराने लोग कौन कौन थेरेपी करते हैं? तो आप भी थेरेपी के हो ना? उस टाइम आप नहीं कर रहे थे। बाकी लोग थेरेपी करते हैं, कुछ गलत काम होता है क्या? आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ तो अपना ही बता सकते हो ना, आपने कभी गलत किया है सुना? तो पुलिस को छापा क्यों पड़ा फिर? यदि कोई गलत काम ही नहीं होता तो पुलिस को छापा क्यों पड़ा? आप बताओ ना, यदि कोई गलत काम ही नहीं हुआ तो पुलिस को छापा ही क्यों पड़ा? नहीं तो फिर तो आप लोग को भी कार्रवाई हो जाएगी। यदि आप बोलोगे कि कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो लोग तो आए थे, तो आप लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। आप लोग चाहते हो कि आप लोग की कार्रवाई हो? जो सही चीज है बताओ फिर, तब तो कार्रवाई होगी ना। गलत काम को तभी हम रोक सकते हैं ना जब लोग आगे आएंगे। तो खुद ही आप लोग शोषण कराओगे अपना, तो क्या विक्टिम हो फिर? तो कार्रवाई करनी चाहिए आप लोग के ऊपर भी। इधर आए मैडम, आप बताएं कल क्या पुलिस की कार्रवाई हुई, उस टाइम क्या हुआ? बताओ पुलिस की तो कार्रवाई हुई ना, पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आप बताओ? क्या चीज के लिए कार्रवाई हुई पुलिस की? किस अच्छाई के लिए हुई? हाँ क्या हो रहा था वहाँ पे बताओगे तब ना, कुछ गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब ये बताओ, चलो क्या हो रहा था? गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो फिर वो आगे वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे फिर करना पड़ेगा, फिर सब पे कार्रवाई करें, ठीक है? ये देखिए पढ़े, रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, कपल रूम, स्टीम बाथ। मैडम हम लोग का ऐसा नहीं है, एविडेंस बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग बताओगे तो ऐसा नहीं है। ऐसा था कि हम तो चाह रहे थे विक्टिम को आप लोगों को रेस्क्यू किया जाए, अरे आप लोग चाहते हो सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नीचे आ भाई मैडम, आप कब से हैं? आप अप्रैल से हैं? एक महीने पे। आपने वहाँ क्या देखा? किसको पकड़ा था रेड में? किस लड़की को? हाँ कौन है? आइए मैडम, आप लोग चाहते हो आप लोग अलग करके बुलाया जाए तो आपकी मर्जी है। आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? कपड़ा खोल रहे थे, पता ठीक है। जैसा आप समझ सकते हैं, कहाँ गए भाई उनके वो संचालक भाई? कपड़ा खोलने का काम महिलाओं को दिया है आपने? नहीं खुलो आप भाग ना, आप चाहते हो सब चीजें खुलवा के बोलूं तो मैं बोलूंगा फिर। अरे भाई सामने बोल रही है, ये कपल डोर बंद करने का नियम किसने बनाया पता है आपको? उस पा के नियम
जाती है इसलिए तो डोर बंद करना पड़े डोर बनाओ गए आप निकाल देंगे सर नहीं वैसे तो डोर का सिस्टम रहना भी नहीं चाहिए लेकिन लेडीज थेरेपी के कारण से उनको रखना पड़ेगा अरे भैया तो पुरुष जाएंगे तो भी बंद रखोगे तुम लेडीज थेरेपी लेडीज के लिए कहानी सुना रहे हो पुरुष जाएगा बंद रहेगा कपल रूम का है तुम चाहते हो सारे व्हाट्सएप जो फोन से मिले हैं लड़कों के मैं वायरल कर देता हूँ अभी तुम्हें अपने सामने मीडिया में देता हूँ चाहते हो क्या चाह रहे हो क्या चाहोगे तो सारे एविडेंस में अभी प्रस्तुत कर दूंगा फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे जो गलत किए हो मानो कम से कम ठीक है बाकी तो कानून का है कानून में कोर्ट में जाके जो बताना होगा आप बताएं आपकी अपनी राय रखने का वहां अधिकार है लेकिन जो गलत किए हो समझो वो पूरा सूर्या मॉल है वहां पे सारे हिंदी लोग जाते हैं मिडिल क्लास के लोग जाते हैं वहां परिवार जाते हैं बच्चे जाते हैं इतना तुम लोगों को भर रखा है तुमने बताओ भाई वहाँ क्या होता है क्या करने गए थे थेरेपी के नाम से गए थे होता क्या है थेरेपी के नाम पे वहाँ पे क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे जेब से कितने जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके तीन कॉन्डोम निकले कॉन्डोम वहाँ से क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे वहाँ पे गुब्बारे फुलाने गए थे मोबाइल है मोबाइल का इसका जो पीडीआर निकाले और कल मीडिया में इनका पूरा जो है ना इसको ये करें भाई देखो मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा समझा रहा हूँ ये जो पीला है ना लाल हो जाओगे पूरे ठीक है जो गलती किए हो तो मानो कम से कम ठीक है कहानी सुना रहे हो अलग मुझे कॉन्डोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे स्प्रे तुम वहाँ पे हवा में खुशबू फैलाने के लिए गए थे और कितने बजे गए थे तुम वहाँ पे कितने बजे गए थे कुछ लोग तो 11 बजे भी आए थे पता है आपको कुछ लोग रात्रि मसाज भी कुछ लोगों को चाहिए 11 बजे 12 बजे 1 बजे सर्विस आवर्स कितने पता है कितने बजे कहाँ है मालिक सारे आप लास्ट है मेंबरशिप नंबर क्या है तुम्हारा मेंबरशिप नंबर क्या है ये सर इसका मेंबरशिप नंबर कितने बार आ चुका है जनाब ने पिछले एक महीने में कितना मसाज दो तीन महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तो वाइफ ले चुका है भाई इतना तो एंट्री है विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने भाई मैं नहीं चाहता एक एक करके पलट खोलना ठीक है मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा जो गलती की हो चुपचाप मानो ठीक है नहीं तो अभी चेहरा तुम्हारा बंद है खोलना ही पड़ेगा मुझे ठीक है जो चीज किए हो मानो ठीक है इनके भरोसे मत रहो साहब कोई मदद नहीं करेंगे आपकी ये तो कोर्ट में जाके कुछ आप मुश्किल में फंस जाओगे ठीक है सब बातें खुलेंगी तो आपकी इज्जत का जवाब बटना लगेगा ठीक है सर ये रईस लड़कियां कैसे लाता था कांटेक्ट कैसे करता था नहीं ये लोग वहां से कैसे कांटेक्ट करके लाता कैसे था ये अब यार ये तो एम्प्लॉइज के नाम पे लाते थे कैसे करते थे उन चीजों में पुराने एम्प्लॉइज भी हैं कुछ 5 साल के हैं कुछ 3 साल के कुछ नहीं आते हमारी चलिए एसपी साहब ये बताइए पकड़े कैसे अपनी टीम अपनी बताएंगे भाई हटो के थोड़ा सा बोलो हमको सूचना थी कि कुछ स्पा में काम चल रहा है कि देह व्यापार हो रहा है तो इसमें हम अपने एक पॉइंटर को भेजे थे कि ये चेक करके आएगा कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या जैसे ही वो अंदर गया बातचीत हुआ कि 1500 रुपए दिया और सिग्नल कर दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा वाला चाहिए एक्स्ट्रा तो 1500 काउंटर पे दे के अंदर गया बाद में जब मिले ये सूचना तो थी पर अब कब से हो रहा है ये चीज मतलब ये भी समय नहीं पता कि कब से हो रहा है लेकिन बताया गया था कि स्पा में चल रहा है कई जगह के स्पा में ये चल रहा है तो जैसे हमने डिसाइड किया कि कहाँ ज्यादा चल रहा है पहली जगह वहाँ से स्टार्ट करता है
तो एक आदमी को भेजे थे और उसने वहां जाने के बाद जैसे ही सिग्नल दिया कि हाँ बात हो चुकी है अब इसके बाद होगा, तो हम 10 मिनट इंतजार किए और उसके बाद सब लोग महिला आरक्षक को लेकर रेड किया। जब अंदर गए तो ये हमारा पॉइंटर और यहाँ की जो एक महिला है वो संदिग्ध अवस्था में हमको मिली। और फिर जैसे ही हमने पूरा सर्च करना शुरू किया तो कई जगह पे कॉन्डम अलग बाथरूम के ऊपर एक जगह पे कॉन्डम रखा हुआ, कई दरवाजे के ऊपर में कॉन्डम रखा हुआ, कुछ जगह पे यूज कॉन्डम भी हमने जब्त किया। क्या हुआ 1500 रेट और ये पहले फोन करके आते कौन सी लड़की के साथ करना है, कुछ है जो ये सब करते हैं कुछ नहीं करते, उनका ऐसा मतलब वो सेट बना हुआ है, वो नाम लेके बताया नहीं नहीं वो फोन पे बात करते हैं, पहले आने से पहले पूछते हैं कि कौन कौन आज सर्विस के लिए अवेलेबल है और जब उनका जो चाहिए वो अवेलेबल है तब हो जाता है। सभी लोग यहाँ जितने भी ग्राहक है सब फोन करके आए, सबका सीडीआर डिटेल भी हमारे पास, सब इसमें से कुछ लोग मेंबर है जिनका पूरा रजिस्टर है, मेंबरशिप कार्ड मतलब उन लोग का नंबर है, कार्ड दिया नहीं गया, इन लोग ऑफर चला रहे सर 10,000 में 15 सेशन, 10,000 में 15 सेशन ऐसे उनका 1500 का कुछ है तो ऑफर चला के कुछ कराए थे, कार्ड बटन नहीं है लेकिन नंबर सबके डल गए। पॉइंटर के बारे में बताइए सर। हाँ तो वो जब अंदर गया उसने सिग्नल दिया कि बात हो चुकी है, उसके बाद हमने 10 मिनट इंतजार किया और उसके बाद वहाँ पे जाके रेड किए, यूज कॉन्डम भी हमने उसमें जब्त किया है, वो डस्टबिन से हमको यूज कॉन्डम मिले थे और बाकी जो कॉन्डम के पैकेट अलग अलग जगह पे अलग दो दो, दो बाथरूम है वहाँ पे छुपाए हुए थे और कुछ बेड के नीचे छुपाए हुए थे। कहना चाहेंगे जनाब इसमें यूज कॉन्डम कहाँ थे आपके यहाँ मिले? अरे कम रहते हो तो आपके यहाँ कुछ भी हो जाएगा। वही सर, नहीं रहने के कारण ये तो ये गलती मानो ना भाई, हम तो बोल रहे कुछ हो ही नहीं रहा, तो यूज कॉन्डम ये कॉन्डम को खाने पीने की चीज है क्या? गलत चीज। हाँ ये इनके सर दो महिला मैनेजर हैं जो पूरा एक्सेप्ट किए कि सामान मिला जो चीज होना चाहिए। हाँ ये भी आज का बेड नहीं है, ये मालिक का सामान इसमें मिला ही नहीं कुछ यार। आपके यहाँ क्रीम है, मसाज क्रीम, मसाज खा जाए यार, ऐसा करना इनका जो क्रीम जो मिला ना कुछ जो मिला वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसको कैफे लगाते हैं यही बताएंगे उससे। मेरे तो समस्या पड़े है कि वो कैफे वो लगाया जाता है, तो खुद डॉक्टर हूँ लेकिन मैं तो उसका इस्तेमाल नहीं समझ पाया, ये साहब ही बता पाएंगे उसका इस्तेमाल। और सर कोई स्पा करने आता ही नहीं, सब पहले से इसी चीज के लिए आते हैं, वहाँ के मैनेजर से भी बात किए थे जो दो महिला मैनेजर रखा हुआ है। तुम्हारी इज्जत जाएगी बता रहा हूँ मैं, ठीक है जाओगे जल्दी खत्म हो जाएगा। भेज दीजिए।